तो ये हम जो पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, तो संपूर्ण प्रभुत्व आखिर है क्या? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जो हमारा जो आता है, संपूर्ण प्रभुत्व जो होता है, इसमें से हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि पूरा पूरी सिक्योर हो जाना। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब ये होता है कि हमारा जो देश है, जो हम अपने देश में हैं, पहले तो अंग्रेज़ों का शासन था, अभी तो हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तभी तो प्रस्तावना लिखाया गया। तो जो हमारा देश है, उस देश में हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमारा देश कैसा हो, हम अपने देश को कैसे संविधान लिखें, क्या चलाएं, प्रस्तावना क्या हो, हमारा देश कैसा हो, उस देश में हम किसी और से डिसाइड नहीं करवाएंगे। जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, आपका जाके किसी से देश से डिसाइड नहीं करवाएंगे, किसी से पूछेंगे नहीं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारे देश में क्या क्या बनने चाहिए, क्या क्या नहीं बनने चाहिए, ये हमारा देश में ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम डिसाइड खुद से करेंगे, दूसरों से नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, ठीक है। नेक्स्ट आता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये है कि ये एक विचारधारा, समाजवादी क्या है, एक विचारधारा है, वो उस विचारधारा में हम पूरे समाज का विकास हो। समाजवादी का मतलब है कि उसमें सिर्फ हमारा समाज का डेवलप होना मांगता है, डेवलप होना चाहिए, जितना डेवलप हो सके हमारे लिए उतना अच्छा है, हमारा समाजवादी स्ट्रांग होगा। उसमें एक ये एक विचारधारा थिंकिंग है कि हमारा समाज कितना ऊपर जा सकता है, कितना डेवलप कितना हो सकता है, यह एक समाजवादी है कि हम सोचें अपने हिंदुस्तान के लिए कि हमारा समाज जो है, जिस समाज में हम रहते हैं, वो समाज हमारा कितना ज़्यादा डेवलप कर सकता है। समाजवादी में बस यही है कि हमारा समाज कितना जल्दी कितना ज़्यादा डेवलप हो। समाजवादी के बाद क्या आता है, पथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष, जो भी बोली, दोनों सेम है, नहीं दोनों सेम नहीं है, अलग अलग चीज़ें, उसमें धर्म के रिलेटेड है और इस धर्म का रिलेटेड, खैर दोनों सेम ही है, सॉरी दोनों सेम ही है, पथ निरपेक्ष का और धर्म निरपेक्ष। इसमें हमारे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताएं और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि हमारा जो देश है ना, उसमें 82% हिंदू हैं, हमारे देश में पूरे हिंदुस्तान को लेकर हम बात कर रहे हैं, 82% मैक्सिमम हम लोग हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है, अपने देश के जितने भी लोग हैं सब बराबर हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन धर्म सब लोग को बराबर का दर्जा दिया जाता है। इस भारत में कोई अपना धर्म नहीं है, यह शब्द भारत में जितने भी धर्म हैं सबके अलग अलग हैं, सबको बराबर का दर्जा मिला है, जितने भी धर्म अभी हम आप लोगों को बताएं वो सारा धर्म अलग अलग है। हिंदुस्तान जो होता है ना, हमारा भारत जो है, उसका अपना धर्म कोई नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं पथ निरपेक्ष। उसके बाद हमारा क्या आता है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक जो आता है, यह हमारा जनता तंत्र है। लोकतंत्रात्मक मतलब समझ में आता है ना, लोक का मतलब क्या होते हैं हम लोग, जनता, तंत्र का मतलब तंत्रात्मक, यानी कि पूरे जनते की शक्ति। हमारा ये क्या है, जनता का तंत्र है, इसमें कोई भी इंसान जो है 18 तक अपना मताधिकार कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी, इसमें मुखिया जो भी जैसे कि हम CM को चुन सकते हैं, हम PM को चुन सकते हैं, इसमें हम हमें अधिकार है कि हम अपने अधिकार से या तो गठन, ये तो या तो PM को चुन सकते हैं, या तो CM को चुन सकते हैं, या तो एक तरह का गठबंधन भी करा सकते हैं। ये हमारा आविष्कार है, यानी कि ये हमारे हमारे अपने ऊपर हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब होता है लोकतंत्रात्मक, ये लोगों के हाथों में है कि हम किसको चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे, ये हो गया लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट हमारा आता है गणराज्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गणराज्य आता है कि इसमें एक मुखिया जो कि हमारे इस देश का सबसे बड़ा आदमी जो कि मुखिया हो, उस देश में पैतृक नहीं है, एक तो पैतृक ना हो और वो 5 साल से ज़्यादा ना रहे, क्योंकि हमारा कोई भी तरह का वोट होता है ना, तो वो 5 साल के बाद फिर से हम उसको वोटिंग कराते हैं, कौन जीतेगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, तो वो पैतृक मतलब हमेशा के लिए वो ना हो, वो 5 साल तक ही हो, उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। ये हमारा हो गया गणराज्य। नेक्स्ट हमारा, तो ये इतना सारा वर्ड हम आप लोगों को आज बताए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिखिए हमारे वीडियो को सुन करके, और अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं हम अगर लिखित दें तो हम लिखित लिख के भी आप लोगों को दे सकते हैं जो हम आपको वीडियो में बताए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि और भी आप लोगों को कुछ बताएं प्रस्तावना में। खैर इतना ही काफ़ी है, और आप लोगों को बताएं कि 42वां संशोधन जो होता है ना, उसमें 1976 ईस्वी में 3 वर्ड को जोड़ा गया है, पथ निरपेक्ष, अखंडता और
समाजवादी, ये तीनों वर्ड को जोड़ा गया है और तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों वर्ड को फिर से हम कल लेके वीडियो आएंगे। पथ निरपेक्ष तो बता दिए, समाजवादी बता दिए, अखंडता का मतलब होता है भागों का अलग अलग करना, ये सारा सब इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना आप लोग जान गए, अब हम कल से बताएंगे कि क्वेश्चन आंसर कैसे करना है और क्या करना है।